नमस्कार फ्रेंड्स, एसपीजेएसजी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कलाकारों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, वो कलाकार जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बिना विलंब किए मैं एक धनबाद के ऐसे कलाकार, ऐसे एक आर्टिस्ट जो पेंटर के साथ साथ एक साहित्यकार भी हैं और कविता भी लिखते हैं, इनका नाम है श्री उमा शंकर गुप्ता जी। तो मैं अपना समय विलंब आपका समय विलंब नहीं करूंगा और आपको उनसे रूबरू करवाऊंगा। आपको वो एक दो कविताएं भी सुनाएंगे और अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी भी आपको देंगे। तो चलिए मिलते हैं उमा शंकर जी से। हेलो दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब उमा शंकर शाह। मैं रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं ये बतलाना चाहूँगा कि श्री प्रसाद जी के सहयोग से ही मैं उपलब्ध हूँ आप लोगों के लिए। मैं बतला दूँ कि लिखना मेरा शौक है, 1976 से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कभी प्लेटफॉर्म की तलाश नहीं कर पाया अभी तक। अब इनके सहयोग से शायद कुछ हो। मैं चित्रकार भी हूँ, मूर्तिकार भी हूँ, इनको बड़ी तकलीफ होती है इन बातों को जानकर। आइए तो मैं किस तरह की रचनाएं करता हूँ मैं सुनाता हूँ आपको। कोयले के खादानों में मची है घमासान। हम लोग कोलियरी के रहने वाले हैं, आए दिन घटना होती है, लेकिन किस तरह की घटना होती है हम लोग पेपर में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अब देखिए, इसको नहीं भूल पाएंगे आप। कोयले की खदानों में मची है घमासान, फट पड़ती है जमीन, जहां तहां दफन हो जाते हैं इंसान। सस्ती हो रही कफन, आबाद हो रहा श्मशान, सरकारी व्यवस्था के हाथ से छूट रहे कमान। सुना दिए जाते हैं फरमान, जारी कर दिए जाते हैं बयान, सहने को चुपचाप सहते जा रहे हैं इंसान। कहीं आग बुझाए जा रहे हैं कागजों पर, कहीं बालू भराई हो रही है, कोई कोई तो लूट जाता है, कोई कोई लूट के बल पर बन रहे धनबाद। किसी के घर का कुल का दीपक बुझ जाता है, कहीं सिर्फ बाती रह जाती है, तिल तिल जलने को बुझ जाते हैं दिल के सारे अभिमान। कोयले के खदानों में मची है घमासान। अब देखिए कैसा लगता है।